नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोहो सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले कि अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। प्रैक्टिस सेट में पहले 1 से लेकर के 22 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के हैं, उनको छोड़कर हम क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, जो सामान्य जानकारी से संबंधित है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राजगीर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? राइट आंसर है बी, गीता रहस्य। क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जर्मनी। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेष्ठ जाता है? राइट आंसर है बी, बी साराभाई। क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है? राइट आंसर है बी, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? राइट आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन है, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल ने। क्वेश्चन है, डी वाई चंद्रचूड़ जिन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, हैं भारत के? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50वें मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? राइट ऑप्शन है ए, बी आर सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? राइट ऑप्शन है ए, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, इनमें 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं। क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कोलंबो में। क्वेश्चन है, निम्न में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, टेस्ला, सॉरी इसका राइट आंसर है बी, मोल। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान चाल से चल रही है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इसका वेग बदलता रहता है। क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति लगभग वाट होता है? तो राइट आंसर है बी, 746 वाट। क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? राइट आंसर है बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन है, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन है, प्रकाश के अलग अलग रंगों में विभाजित प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले विभाजन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्रसारण। क्वेश्चन है, किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा इनके परावर्तन की पहचान करके चमगादड़ अंधेरे में भी शिकार खोज लेता है। राइट आंसर है डी, पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन है, एक फ्यूज निम्न से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। राइट आंसर है बी, अतिभारण या कि यानी कि ओवरलोडिंग लोडिंग से। क्वेश्चन है, एक परमाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सोडियम। क्वेश्चन है, पानी पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। राइट आंसर है डी, अवसादन। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। राइट आंसर है बी, Mg। क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम है। राइट आंसर है बी, बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन है, मार्स गैस का सही संयोजन है। राइट आंसर है सी, CH4। क्वेश्चन है, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। राइट आंसर है ए, मेरुदंड। क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दांत का इनेमल। राइट आंसर है बी, दांत का इनेमल। क्वेश्चन है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इनकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। विकल्प में उनका नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए विकल्प ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। राइट आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन है, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। क्वेश्चन है, आधुनिक तकनीकी के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब, इसका राइट आंसर है बी, आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 38। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राइट ऑप्शन है सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर है ए, लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। राइट आंसर है सी, लोकसभा के लिए। क्वेश्चन है, किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी जारी करता है। राइट आंसर है डी,
अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? राइट आंसर है सी, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ए, 153। क्वेश्चन है, विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? राइट आंसर है सी, समानता। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 73वां। क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 1949 में। क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सच्चाई और अहिंसा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो राइट आंसर है बी, बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1928 में। क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 241 मील। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1947 में। क्वेश्चन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो राइट ऑप्शन है ए, ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? राइट आंसर है बी, बंगाल गजट। क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे वाहतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, नेपच्यून। क्वेश्चन है, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन है ए, खगोलीय पिंड। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है? राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है, एक अक्षांश लगभग किमी के बराबर होता है? राइट आंसर है बी, 111। क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? राइट ऑप्शन है सी, यार डोंग। क्वेश्चन है, गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन है बी, धूमकेतु। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? राइट ऑप्शन है ए, 7। क्वेश्चन है, अरसा मेजर
अथवा बिग बियर एक प्रकार का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन है मृदा का लवणीयकरण किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अधिक सिंचाई के कारण। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ककड़ी और खीरा। क्वेश्चन है कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो राइट ऑप्शन है बी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन है बी, हीरापुर में। क्वेश्चन है मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, अपहीलियन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीमबंध। क्वेश्चन है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 3, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। राइट आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, खेत। क्वेश्चन है Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम्स्टर्डम, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? राइट आंसर है सी, गोवा में। क्वेश्चन है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है बी, क्लोरीन को। क्वेश्चन है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? राइट आंसर है सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1921 में। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर है सी, शेरछिपी। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? राइट आंसर है डी, रबर। क्वेश्चन है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? राइट आंसर है सी, लेड। क्वेश्चन है हरियाली एक नई योजना है? राइट आंसर है बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। क्वेश्चन है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? राइट आंसर है डी, उड़ीसा। क्वेश्चन है भारत में हीरों की खाने कहाँ हैं? भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। ये रही आपके आंसर की वीडियो। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।